हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एग भुर्जी, जो एक सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे अगले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एग भुर्जी के लिए मैं ले गई हूँ प्याज 5 टो, जिसे मैं बारीकी से चॉप करके रखी हूँ। टमाटो एक बड़ा साइज का, उसे भी चॉप करके रखी हूँ। ग्रीन चिली और धनिया के पत्ते सारे मैं चॉप करके रख दी हूँ। अभी एग को हम एक साथ फोड़ के रख देंगे एक जगह पे, उसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये मेरा 8 टो एग है। देखिए एक एक करके मैं सारा इसे तोड़ दूंगी, फेंट लेंगे अच्छे से। इसे ऊपर उठा उठा के इसे फेंटने से एक भुर्जी अच्छा बनता है। नमक अभी नहीं डालेंगे, उसे साइड में रख के मैं गैस में पैन चढ़ा दी हूँ। सरसों का तेल उसमें डाली हूँ 2 बड़े चम्मच। अब तेल की जगह बटर ले सकते हैं, बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वो गरम होने के बाद मैं प्याज हरी मिर्च डाल दी हूँ उसमें भूनने के लिए। इसे ट्रांसपेरेंट दिखने तक भूनना है, हमको ज़्यादा गाढ़ा रेड कलर नहीं करना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच उसमें डाल दी हूँ मैं, उसे थोड़ा भून लेंगे और टमाटर के भी डाल देंगे उसमें, सारे मिला लेंगे। टमाटर डाले हैं तो नमक भी डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, चिली पाउडर 1/2 चम्मच डाल के मिला लेंगे। अभी टमाटर से जो पानी छोड़ेगा उसी से मसाला अच्छे से भून जाएगा। उसके बाद मैं चिकन पाउडर डाली हूँ 1 चम्मच, मिला लेंगे। चिकन मसाला जो होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। उसके बाद हम जो फेंट के रखे थे अंडा, उसको डाल देंगे। ऐसे कंटिन्यूसली चलाएंगे धीमे आंच में। फ्लेम हाई कर देने से ये बड़े बड़े पीसेस हो जाएंगे, इसीलिए हमको लो फ्लेम में ही इसे दबा दबा के चारों तरफ से मिला के चलाना है। देखिए ये जितना बारीक बनेगा उतना अच्छा लगता है। हमारा प्याज का साइज भी हम छोटे रखे हैं, तो अंडा भुजिया का जो साइज होगा वो भी हम बारीक रखेंगे। इसे चारों तरफ से मिला के नीचे से खरोच के अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये बनने लगा है। अच्छे से भून लेंगे इसको। अभी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच में डाल दी हूँ कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना नहीं डालने से भी टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भुर्जी में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्द बन जाता है और तेल मसाले भी बहुत कम लगते हैं। लेकिन इसमें बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मेरे घर में कोई नहीं खाते इसीलिए मैं तेल में बनाई हूँ। देखिए रेडी हो गया है हमारा एक भुर्जी। अभी धनिया के पत्ते डाल देंगे उसमें, मिला लेंगे चारों तरफ से। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। रेडी हो गया हमारा एग भुर्जी। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी खाने की तैयारी करेंगे। प्लेट में मैं निकाली हूँ रोटी।
एक प्याज को कट करके रखी हूँ। साइड में डाल देंगे एक भुर्जी को। रोटी पराठे के साथ एक भुर्जी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे अगले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए